हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीडी और आज इस वीडियो में आपके सामने लेके आऊँ कंपैरिजन बिटवीन एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 वर्सेस रियलमी 2। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ रियलमी 2 प्रो को एसुस ज़ेनफोन प्रो M1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास है 4GB रैम वाला वर्जन दोनों का भी। तो यहाँ पे दोस्तों कंपेरिजन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर कंपेयर करते हैं चार्जर से लेके, तो चार्जर भी दोनों का भी 2 एम्पीयर का मिलता है, तो दोनों में भी फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन ठीक ठाक फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं। हालाँकि मेरे को एसुस का चार्जर बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि वो रियलमी 2 वाले फ़ोन को भी बहुत अच्छी तरीके से चार्ज करता है, तो वो मेरे को अच्छा लगा है। यहाँ पे दोस्तों अगर कलर की बात करते हैं बैक की दोनों की, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको एसुस और रियलमी 2 दोनों भी बहुत अच्छे लगते हैं। रियलमी में आपको ग्लॉसी मिलती है बैक, और एसुस में आपको जो है मैट फिनिशिंग मिलती है। हालांकि वो डिपेंड है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। मैं जो है प्रेफर करता हूँ मैट फिनिशिंग, क्योंकि वो ग्लॉसी का ज़माना अभी चल चुका है, तो मुझे तो मैट फिनिशिंग ही अच्छी लगती है। पीछे साइड आपको जो है दोनों में भी डुअल कैमरास मिलते हैं, कंपेयर करेंगे उसकी भी कैमरा टेस्ट लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए अभी चेक करते हैं कि यहाँ पे फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। नीचे के साइड की अगर दोस्तों बात करूँ, तो यहाँ पे आपको जो है दोनों में भी हेडफोन जैक मिलता है, माइक मिलता है, और आपको जो स्पीकर ग्रिल मिलता है, और यहाँ पे आपको जो है ए टाइप USB मिल जाती है। कैमरा की अगर बात करूँ, दोनों में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है, बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, दोनों में भी कोई इशू नहीं है। लेकिन एसुस में एक थोड़ा सा छोटा बग आ चुका था, जहाँ पे जो है कैमरा ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर बनाई होगी तो आपको मिल जाएगी आई बटन पे, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको जो है वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। रियलमी 2 में 450 वाला प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का, और यहाँ पे आपको जो है एसुस में 636 वाला प्रोसेसर मिलता है, तो कोई भी बता सकता है कि 636 प्रोसेसर अच्छा है। लेकिन हालांकि अगर आपके पास रियलमी 2 है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोस्तों रियलमी 2 में आपको कैमरा क्लियरिटी बहुत बेहतर मिलती है एसुस के मामले में। तो अगर कंपेयर करते दोनों को भी, तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों में भी पबजी बहुत अच्छी तरीके से चलता है। यहाँ पे मैं चला रहा हूँ अभी रियलमी 2 में, उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, वो उसका कोई टेंशन नहीं आता है। गेम के ग्राफिक्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, 450 प्रोसेसर बहुत गंदा नहीं है ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन दोस्तों अगर कंपेयर करते 600 सीरीज वाले प्रोसेसर के साथ तो थोड़ा सा वो नीचे है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको जो है रियलमी 2 में स्टॉक एंड्रॉयड की UI भी नहीं मिलती है। रियलमी की तरफ से यहाँ पे आपको ओप्पो की कलर OS मिलती है, जिसके वजह से फ़ोन बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, और फिर बाद में आपको मुझे नहीं लगता कि अपडेट्स आने वाले। हालांकि एसुस के भी नहीं आने वाले अपडेट, क्योंकि यहाँ पे एसुस के भी पूरी की पूरी UI स्टॉक नहीं है, यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हैं उसमें एसुस ने। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं इस रियलमी 2 के साथ, तो यहाँ पे आपको जो है UI रिस्पॉन्सिव आपको एसुस की ज़्यादा मिलेगी। हालांकि दोनों में भी पबजी गेम बहुत अच्छी तरीके से चलता है। रियलमी 2 में आपको जो है हाई ग्राफिक्स पे रखने के बाद थोड़ा सा लैग कर सकता है गेम, वो भी दोस्तों कभी कर सकता है, जब भी आपने टास्क में पीछे के बैकग्राउंड टास्क में आपको आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस रखे हैं, तभी ये जो है हैंग करेगा, वरना नॉर्मल और डेली यूज़ में मुझे नहीं लगता है कि ये लैग हो सकता है। तो दोस्तों दोनों भी मैंने फ़ोन जो चूज़ किए, दोनों भी 13,000 के रेंज में, इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये भी जो फ़ोन है वो 4GB रैम वाला, हालांकि मैंने 6GB रैम वाला वर्जन का भी वीडियो बनाया है, तो अगर आपने देखा नहीं तो वो आप ज़रूर से आके चेक करो। मैंने इसके जो है एसुस के सीक्रेट फीचर्स भी बनाए हैं, तो अगर आपने चेक नहीं किया तो आप ज़रूर से आके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ग्राफिक्स देख सकते हो एसुस के बहुत अच्छे हैं, अगर कंपेयर करते हैं बाकी कोई भी फोन्स के साथ, तो स्टॉक UI की वजह से स्मूथ रिस्पॉन्सिव UI मिलती है। और अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों को भी CPU Z में, तो आप देख ही सकते हो दोनों में भी। अगर दोस्तों कंपेयर करते हैं बैटरी की, तो दोस्तों बैटरी एसुस ज़ेनफोन M1 की बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5000 mAh बैटरी मिलती है, लेकिन स्क्रीन का रेशियो भी उतना ही बड़ा है, उसकी वजह से दोनों की बैटरी उतनी ही टिकती है। तो ऐसा मत समझो कि रियलमी 2 की बैटरी कम है तो उसके वजह से कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिपेंड्स है टोटली स्क्रीन के रेशियो के ऊपर कैसा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं एप्लीकेशंस ओपन करने की, तो एप्लीकेशंस भी दोनों में परफेक्टली ओपन हो रहे हैं, तो डिपेंड्स है कि आपकी कौन सी चॉइस है। मेरी तो चॉइस दोस्तों यही रहेगी कि मैं जो है स्टॉक UI देखता हूँ कि कौन से फ़ोन में स्टॉक UI, क्योंकि उसको जो है फ्यूचर बहुत सालों तक उसको अपडेट आते रहते हैं। अगर हम लोग जो है नॉर्मल कलर OS लेते हैं, वरना कोई भी UI लेते हैं अलग वाली MIUI हो गया, तो दोस्तों उसमें जो आपको अपडेट्स आने के थोड़े दिन के बाद जो है बंद हो जाएगी। प्रेफरेंस तो यही रहेगा कि आप गूगल वाला कोई फ़ोन ट्राई करो, जिसमें आपको जो है अच्छे अपडेट्स फ्यूचर में आते रहेंगे। दोस्तों अभी हम लोग कंपेयर करेंगे कैमरा की, तो वो भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं कैमरा टेस्ट, तो यहाँ पे दोस्तों फोटोज़ आप सिंपली देख ही सकते हो, तो फोटोज़ के मामले में दोनों भी फ़ोन अच्छे ही है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि रियलमी 2 में थोड़े से ज़्यादा कलर्स दिख रहे हैं एसुस ज़ेनफोन प्रो से, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सीन क्या है कि एसुस का जो है कैमरा का प्रॉब्लम हो गया था, उसके वजह से जो है कैमरा अभी भी थोड़े बहुत बग्स उसमें
है। तो यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हो, अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोनों का भी 8 मेगापिक्सल है, लेकिन एसूस में आपको जो बहुत अच्छा मिलता है क्लियरिटी, मतलब अगर आप देखते हो तो आपको नेचुरल फोटोज़ लगता है, लेकिन रियलमी 2 में थोड़े ज़्यादा इफेक्ट्स लगते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं मारा, दोनों भी नॉर्मल फोटो ही निकाले हैं। यहाँ पे सिंपल आप देख ही सकते हो दोनों में दोस्तों आपको बूके ब्लर फ्रंट कैमरा को भी मिलता है इलेक्ट्रिक बूके करके। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं तो देख सकते हैं रियलमी में ज़्यादा थोड़ा कार्टूनिश लगता है, लेकिन अगर एसूस में देखते हो तो बहुत अच्छी क्लियरिटी लगती है। लेकिन दोस्तों अगर कंपेयर करते हैं नाइट की, तो नाइट में दोस्तों रियलमी 2 बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि दोस्तों एसुस में बहुत सारे बग्स है, उसके वजह से एसुस थोड़ा बहुत पीछे है। अभी बात करते हैं दोस्तों, और एक फोटो है मेरे पास, तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो दोस्तों कि ये फोटो में जो है देख सकते हो कि रियलमी 2 में बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स लगते हैं। हालांकि फोटो पूरी की पूरी नॉर्मल निकाली, कोई भी इफेक्ट नहीं मारा मैंने, अभी कोई भी फेस फिल्टर नहीं मारा, फिर भी ऐसा फोटो आता है। सो दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये एक प्रॉब्लम दोनों के बीच में है। तो एसूस में दोस्तों अभी फिलहाल थोड़े बहुत बग्स हैं, लेकिन जेनफोन M1 यूज़ करो, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है बेटर प्रोसेसर मिलता है। हालांकि बग्स का जो प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल की अगर बात करते तो स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर 13,000 की रेंज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर 10,000 रुपीज़ के अंदर वाला बजट है तो आपको स्नैपड्रैगन 450 430 प्रोसेसर बहुत अच्छे, लेकिन अगर 10,000 के ऊपर का बजट होता है तो स्नैपड्रैगन 660 वरना स्नैपड्रैगन 636 ये तो मिनिमम तो आपके जो है फ़ोन में अवेलेबल चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अभी ये आपका डिसीजन है कि आपको कौन सा चूज़ करना है। आपको जो भी फ़ोन अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिएगा, और रीज़न चाहिए तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। विद द बिन सेड, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहता हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। जय हिंद, वंदे मातरम, माय नेम इज एडी एंड आई एम साइनिंग आउट। We'll be right back.